पेशकश ग्राउंड रिपोर्ट में आप सभी का बहुत स्वागत और मैं हूं आपके साथ श्रुति श्रीवास्तव। सफाई कर्मचारी पिछले 8 दिनों से हड़ताल पर है। दरअसल कर्मचारी भर्ती में वाल्मीकि समाज को प्राथमिकता देने के लिए यहां कर्मचारी हड़ताल कर रहे हैं। इस वजह से पिछले कई दिनों से राज्यों के कई जगहों से कचरे का उठाव नहीं हुआ है और जिससे शहर शहर कचरे के अंबार लग गए हैं और लोगों को कई परेशानियों का सामना भी करना पड़ रहा है। आज ग्राउंड रिपोर्ट में बात करेंगे सफाई कर्मियों की हड़ताल गंदगी के अंबार पर। सफाई कर्मियों की हड़ताल, शहरों का बिगड़ा सूरते हाल। हर तरफ गंदगी का अंबार, बदबू गंदगी से बुरा हाल। प्रशासन कर्मचारियों में अदावत, गंदगी से बीमारियों को दावत। सफाई कर्मियों की हड़ताल, गंदगी का अंबार। और मांगे नहीं माने जाने पर सफाई कर्मचारी पिछले 8 दिन से हड़ताल पर हैं। शहर शहर एक जैसे हालात, ना तो झाड़ू रही ना ही कचरा उठ रहा है, जिससे शहर में जगह जगह कचरे के ढेर लग गए हैं। बारिश में कचरे का निस्तारण नहीं होने से आम लोगों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ा। तस्वीरें जो आप मेरे पीछे देख रहे हैं ये सही वाकई तस्वीरें जयपुर के शहर के जगह जगह से जहां पड़े कचरों की है। लोगों को अब मौसमी बीमारी फैलने का डर सताने लगा है, लेकिन इसका सुध-बुध लेने वाला कोई नहीं है। पिछले 8 दिन से कर्मचारी सफाई कर्मचारी हड़ताल पर हैं। आप सोचिए कि घरों का कचरा कहां जा रहा होगा, रोड पे जो कचरे फैल रहे होंगे उनको कौन उठा रहा होगा, दुकानों के बाहर, मंदिरों के बाहर, रोड पर चलने पर कचरे से किस तरह आम जनता को जूझना पड़ता है। ना सिर्फ आम जनता बल्कि सड़कों पर घूम रहे पशुओं को उस कचरे में पड़ी पॉलिथीन खाने के लिए भी ये कहीं ना कहीं मजबूर होना पड़ रहा है, क्योंकि कचरे का अंबार है। पशु को पता नहीं कि कचरे में पड़ा पॉलिथीन उनके लिए कितना नुकसानदायक हो सकता है। बारिश का दौर है और कचरे पड़े हुए हैं, इससे होने वाली बीमारियों का जिम्मेदार कौन है? तो तमाम कड़ियां जुड़ते हुए नजर आती हैं। लेकिन सवाल ग्राउंड रिपोर्ट में आज हम यही पूछेंगे अपने संवाददाताओं से, जो ग्राउंड रिपोर्ट के हाल हमें बताएंगे जयपुर में, कि 8 दिनों से सफाई कर्मचारियों की क्या सुध-बुध लेने वाला कोई नहीं है? वाल्मीकि समाज की प्राथमिकता की मांग पिछले 8 दिनों से हो रही है और 24,000 से ज्यादा कर्मियों को और नियुक्त किया जाए और जो पहले से हैं उनको लाया जाए उसमें, यही मांग है सफाई कर्मचारियों की। तो क्या इसका कोई निस्तारण नहीं है? क्या इस पर कोई आश्वासन देने के लिए नहीं तैयार है? आज इस पर हम ग्राउंड रिपोर्ट में सीधे बात करेंगे। हमारे साथ अरबाज अहमद जयपुर से जुड़ चुके हैं, अशोक सिंह भाटी अजमेर से जुड़ चुके हैं, राहुल कौशिक भिलवाड़ा से जुड़ चुके हैं और दीपक पुरी भरतपुर से जुड़ चुके हैं। आप सभी का स्वागत। सबसे पहले हम जयपुर रुख कर लेते हैं। अरबाज, कल भी आपकी रिपोर्ट अरबाज देखी, किस तरह आपने दिखाया वो सीधा धर्म स्थान की तरफ लेकर जाता था और उससे होकर कहीं ना कहीं श्रद्धालुओं को गुजरना पड़ता था। लेकिन सिर्फ एक जगह की तस्वीर नहीं है, 8 दिनों से अगर सफाई कर्मी हड़ताल पर है, एक दिन में घर में कचरा हो जाता है, पिछले 8 दिन से कैसे जनता जूझ रही है अरबाज? जी बिल्कुल, देखिए कल जयपुर के जो आराध्य देव हैं गोविंद देव जी, वहां का मंदिर हमने आपको दिखाया, वहां के हालात आपको दिखाए किस तरह से मुश्किल थे। और अब मैं रामगंज चौपड़ के अंदर जो चौकड़ी रामचंद्र जी है, यहाँ पर जब थोड़ा गलियों के अंदर घुसा, क्योंकि शहर के बाहर की तरफ थोड़ी बहुत वैकल्पिक व्यवस्था बना करके कोशिश ये की गई थी कि एक चेहरा दिखाया जाए कि हालात ठीक हैं, लेकिन अंदरूनी हालात क्या हैं वो मैं आपको दिखा रहा हूँ। आप मेरे पीछे अगर देखेंगे तो उसमें आपको सीधे तौर पर नजर आएगा कि मेरे पीछे जो मकानों के आगे जो कचरा इकट्ठा हुआ हुआ है उसका नज़ारा ये है। और ये कोई एक जगह नहीं है, बाकायदा आसपास का चारों तरफ का नज़ारा यही है। कमोबेश आप देखेंगे कि मेरे पीछे जहाँ जितना कचरा है उसके अलावा दूसरी लाइन में भी वहां पर उतना ही कचरा आपको नजर आएगा, और तीसरी तरफ अगर आप मेरे देखेंगे तो वहां पर भी आप देखेंगे तो कचरे के ढेर नजर आ रहे हैं। ये शहर के अंदर के हालात हैं जहां पर लोग इन मकानों के अंदर इस कचरे के आगे रहने को मजबूर है। कोई रास्ता नहीं है, कोई बाजार नहीं है, ये कोई कचरे का डिपो नहीं है कि जहां पर कचरा नॉर्मली इकट्ठा होता हो और लोगों को इन्हीं हालात से जूझना होता हो। लेकिन अभी स्थिति ये बनी हुई है, आप देखिए कि ना तो यहाँ पर कोई व्यवस्था है, ना यहाँ पर
लोगों की कोई सुनवाई हो रही है। जितने भी लोग हैं, जनप्रतिनिधि हैं, वो लगातार बातचीत कर रहे हैं। स्थानीय लोग भी यहाँ पर कल शाम को बताया जा रहा है इस इलाके में मिलकर। ठीक है अरबाज, मैं आपको रोकती हूँ। जयपुर से हमारे कॉलर वसीम जुड़ चुके हैं। वसीम, किस तरह की परेशानी हो रही है अगर सफाई कर्मी आपके घरों तक नहीं पहुँच रहे हैं तो? मैडम एक्चुअली मैं क्या है कि जयपुर शहर से बात कर रहा था मैं, और आपका पहले तो धन्यवाद करना चाहूंगा कि आप ये रिपोर्ट दिखा रहे हैं। ये बहुत बड़ी रिपोर्ट है और आपके जरिए से कुछ इसका समाधान भी हो पाएगा। सबसे पहले तो मैं बताना ये चाहूंगा कि गलियां गलियों में और शहरों में थोड़े कचरों का ढेर लगा हुआ है, जिससे कि बारिश का मौसम भी चल रहा है और बारिश आने पर ये जो कचरे का ढेर है ये जो गंदे फैलता है चारों तरफ सड़कों पर चारों तरफ फैल जाता है। और सबसे बड़ी बात हमारे जयपुर में मैं जहाँ रहता हूँ आपके आपको हालात बता रहा हूँ कि अस्पतालों के यहाँ पे जो बच्चों का अस्पताल है वहाँ के आसपास भी इतना कचरे का ढेर है। अब वो अस्पताल में जो नवजात जो बच्चे हैं उनको भी बीमारी के होने का डर रहता है। ठीक है वसीम, और कोशिश करेंगे कि आपने जो ग्रांड रिपोर्ट में देखी रिपोर्ट उसके जरिए आपने अपने सवाल पूछे हैं, अपनी परेशानी बताई है, इसका जल्दी से हल भी निकले। अजमेर रुक कर लेते हैं, हमारे साथ अजमेर से अशोक जुड़े हुए हैं। अशोक, अजमेर में भी क्या हालात है? सफाई कर्मचारी अगर हड़ताल पे हैं तो शहर के हालात किस तरह बस से बदतर हो रहे हैं? अशोक जी बिल्कुल, अजमेर की बात करूं तो आपको सीधे तस्वीर दिखाना चाहूंगा। इस तस्वीर से ही सब कुछ साफ हो जाता है कि अजमेर के हालात क्या हैं। ये मुख्य बाजार मदार गेट है जहां पर आप देखेंगे गंदगी के आलम हैं, चारों तरफ गंदगी है, झाड़ू जो है सुबह से नहीं लगी है। ये 8 या 12 घंटे के बाद की स्थिति है। अगर यही स्थिति 2 से 4 दिन की होगी तो स्थिति और विकराल रूप ले सकती है। यह वो मार्ग है जो अजमेर दरगाह की ओर जाता है, साथ ही यहाँ पर मंदिर है जो बड़ा विशाल मंदिर है। ये जो मौका है वो सावन का महीना है और यहाँ पर शांतेश्वर महादेव मंदिर है और अलग अलग मंदिर है, पूरा बाजार है। अब यहाँ की स्थिति आप देखेंगे पूरी दुकानों के बाहर जो है कचरा जमा हुआ है, झाड़ू सुबह से नहीं लगी है और स्थिति यूं है कि कभी भी जो बारिश आ सकती है और बारिश के बाद आप देखेंगे स्थिति कैसी होगी। यहाँ के कुछ लोग हमारे साथ जुड़े हुए हैं, इसके साथ साथ सफाई कर्मचारी भी हमारे साथ जुड़े हैं। लोगों से पहले जान लेते हैं किस तरह की समस्याएं आपको झेलनी पड़ रही है। आज पहले दिन ही ये हाल है कि देखो कचरा चारों तरफ कचरा ही कचरा है, तो हमारे तो यही मांग है कि जल्दी से जल्दी इनका जो भी है सरकार को बैठ के निस्तारण करना चाहिए। और आने वाला जो देखो दरगाह का रास्ता है, इधर सूरज कुंड मंदिर है, उधर शांतेश्वर महादेव मंदिर है, तो ये चारों तरफ का कचरा देखो सुबह से अभी ये ढेर लगे पड़े सबकी दुकान के आगे। आप बताएं आप भी यहाँ के व्यापारी। अगर सावन माह में चारों तरफ मंदिर है, अगर ऐसा रहेगा कि चारों तरफ कचरा रहेगा तो व्यापारी को एक तो मंदिर में जाने वाले लोग परेशान होंगे, दूसरी बात जो व्यापार कर रहे हैं वो परेशान होंगे, और इस मौसम में अगर कचरा ऐसा इकट्ठा रहेगा तो ये मानकर चलो कि कई तरह की बीमारियां भी आएगी। तो मेरी यही मांग है कि सरकार से जो ये वाल्मीकि समाज जो मांग कर रहा है 100% की, क्योंकि इनका अधिकार है, शुरू से इनका अधिकार है तो अभी भी इनका अधिकार है, अब इनकी मांगों को पूरा करें जिससे हमें सफाई से निस्तारण मिले। ठीक है, आप भिलवाड़ा की तरफ रुख कर लेते हैं, मैं लौटूंगी आपके पास अशोक। भिलवाड़ा से हमारे साथ राहुल जुड़े हुए हैं। राहुल, भिलवाड़ा के हाल क्या है गंदगी को लेकर? जी हड़ताल कई दिनों से जारी है, भिलवाड़ा की हाल बेहाल है। मैं आपको पहले ये मार्ग दिखाना चाहूंगा, भिलवाड़ा शहर का मुख्य मार्ग है, सब्जी मंडी यहाँ पे लगती है, देखिए फल यहाँ पे फल विक्रेता यहाँ पे खड़े हुए हैं। पर आपको ये भी दिखाना चाहूंगा देखिए किस प्रकार से यहाँ पे कचरा इकट्ठा हो रखा है। लगातार जो सफाई कर्मचारी हैं हड़ताल पर हैं उसका खामियाजा आम जनता को भुगतना पड़ रहा है। सरकार और कर्मचारियों के बीच में जो पिस रहा है वो आम जनता पिस रही है। कई दिनों से लोगों के घरों से कचरा बाहर नहीं आया है, लोगों के घरों में कचरा भरा हुआ है, बाहर सड़कों पर कचरा है। हमारे साथ कुछ लोग हैं, इनसे बात करेंगे कैसा सफाई व्यवस्था, कैसी सफाई व्यवस्था देखते कर्मचारी लगातार हड़ताल कर रहे हैं। सफाई व्यवस्था बिल्कुल व्यवस्था है, जो पूरे प्रदेश के जो अपने कर्मचारी बंधु है उनके और सरकार के बीच कहीं इंडस्ट्रियन हो रहे हैं, इसके कारण यह पूरे प्रदेश को इस परेशानी का झेलना पड़ रहा है। मेरा सरकार से अनुरोध है कि कर्मचारी बंधु और सरकार से एक मैनेजमेंट कमेटी बने और उनके साथ जो भी बातचीत करें और इन समस्याओं का निवारण करें। आपको क्या लगता है, देखिए सुबह घर से निकलते हैं घूमने निकलते होंगे पर अब सड़कों पर कचरा दिखाया लगातार। भीलवाड़ा में 4 दिन से कर्मचारियों की हड़ताल है और कचरा एकत्रित भी नहीं हो रहा है 24 द्वारा, और जो भी कर्मचारियों की मांग है सरकार कर्मचारियों में मध्यस्थता करके उनकी जो भी जायज मांगे है उनको पूर्ण करे। देखिए जायज मांगों की बात लोग कर रहे हैं और कुछ लोग ही बात करते हैं इनसे, सुबह कचरा लगातार ये चल रहा है हड़ताल को तो सड़कों पे कचरा है, ऑटो टिपर आना बंद हो गया, कैसे देखते हो सर? ऑटो टिपर आने से बंद होने से हर जगह लोग हर कहीं पे कचरा फेंक रहे हैं और बरसात का मौसम है इसलिए बीमारियों का
बीमारियां हो रही है लोगों में और हर जगह कचरा व्यवस्था बिल्कुल ठप है। देखिए कहीं ना कहीं लोगों को परेशानी का सामना झेलना पड़ रहा है, ऑटो टिपर बंद हो चुके हैं, कचरा संग्रहित नहीं हो पा रहा है। राहुल, सरकार और सफाई कर्मचारियों के बीच की टसल और बेचारी पिस रही है जनता। दीपक, भरतपुर का हाल बताइए। देखिए भरतपुर की बात की जाए तो जो शहर में सफाई के हालात है वो इस तरह के हैं कि लोगों को परेशानी का जो सामना है वो करना पड़ रहा है। सावन का महीना चल रहा है, लोग मंदिर जाते हैं, पूजा पाठ करने के लिए जाते हैं, लेकिन हालात क्या है आप देखिए। ये जो गली है, जिस गली में मैं मौजूद हूँ, आप देखिए किस तरह से कचरे का ढेर लगा हुआ है। यहाँ पर जो गंदगी है वो फैली हुई है, लोगों को जो निकलना है वो मुश्किल हो रहा है। और ऐसे में हालात ये हैं कि लोग जो है जब वहाँ से निकलते हैं तो बदबू की वजह से उन्हें परेशान होना पड़ता है और लोग शिकायत कर रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद भी कोई समाधान नहीं हो पा रहा है। किस तरह के हालात है गंदगी के? गंदगी का आलम तो इस शहर के अंदर भाई साहब, सब लोग नारकीय जीवन जीने के लिए मजबूर है। ना नालियों का निकास होता है, ना रोड की बगल में से पानी बह रहा है। 50 बार अधिशासी अधिकारी। मैं दीपक आपके पास आऊंगी। किशन लाल हमारे साथ पोखरण से कॉलर जुड़ चुके हैं। किशन लाल बताइए परेशानी आपकी। सर मैंने 2 बार आपके पास आके गया, अभी नल का कोई प्रशासन आया है ना, मेरे घर की पानी की निकासी है ना, मैं ट्यूब लाइन से मैं वंचित अभी तक बैठा हूँ। मेरे कोर्ट में चल रहा है 5-6 साल से, मौका मुआ ना मेरा एशियन कोर्ट में 2 बार करा दिया, 2 बार प्रीस में करवा दिया। अभी भी है अजमेर से ना जयपुर से मैंने ये रिकॉर्ड भी लाके दे दिया है रस्ते का, परंतु प्रशासन में बहुत ही मौन चुपचाप बैठा है, अभी तक किसी ने आके नहीं देखा। मेरे घर का पानी है जो काला काला हो गया, पीछे ढूंढने की जगह नहीं है सर। अरे एक मिनट सर, हमारे घर से परेशान हो गए ये हाँ। बहुत आपको एक मिनट मेरे घर से बात करो सर, बहुत परेशानी होगी। हेलो जी बताइए। हाँ मैं पानी की सुविधा नहीं है, आने जाने का रास्ता नहीं है, तो सब परेशानी होते है। लैट्रिन बाथरूम है तो वो भी नहीं है, यहाँ अतिक्रम कर रहा है। ठीक है किशन लाल, मैं समझ गई कि परेशानी क्या है। गंदगी पानी आ रही है और लगातार आप कोशिश कर रहे हैं, रिपोर्ट भी दे रहे हैं, लेकिन कोई हल नहीं निकल रहा। ये जनता से जब ग्राउंड रिपोर्ट में हम बात करते हैं तो ये सच्चाई निकल कर बाहर आती है। दीपक आप अपनी बात को कंटिन्यू करिए, लोगों से आप बात कर रहे थे, उसके बाद हम अजमेर की तरफ रुख करेंगे। दीपक चलिए, दीपक को शायद आवाज नहीं आ रही है। अरबाज की तरफ रुख कर लेते हैं, अरबाज क्योंकि जुड़े हुए। अरबाज आपके पीछे भी कुछ लोग हैं, बात करिएगा जरा। जी बिल्कुल, कुछ लोग हमारे साथ में मौजूद है। जो हम बता रहे थे कि पार्षद के साथ में कल यहाँ लोगों का झगड़ा हुआ, पार्षद खुद यहाँ हमने बुलाए हैं बातचीत करने के लिए। सब क्या स्थिति है, कचरा इतना भरा हुआ है, लोग परेशान हो रहे हैं, क्या रास्ता है आपके पास? देखिए हमारे पास तो कोई रास्ता है नहीं, पब्लिक हमें वोट देती है तो हमसे पूछती है और हमसे जवाब मांगती है कि सफाई क्यों नहीं हो रही है, और हम उनको कहते हैं हड़ताल चल रही है तो वो हड़ताल को समझते नहीं कि हड़ताल क्यों चल रही है। वोटर हैं जी, मेरे वोटर हैं। आपने इनको वोट दिया था, पूछा इनसे? पूछा था। क्या कहा इन्होंने जवाब? वो ये कहते हैं हड़ताल चल रही है, हमारा मकान चल रही है, हड़ताल चल रही है हमारा मकान, यही मकान है मेरा, ये वाला आपका है? जी बिल्कुल, देखिए ये इनका मकान है और कचरे की वजह से इनके आगे की जो नाली है इतनी चौक हो चुकी है कि पानी ऊपर तक आने लगा है। खुद पार्षद हमारे साथ में मौजूद है, क्या रास्ता है? देखिए सरकार को अतिशीघ्र इनकी मांगों को मानना चाहिए। जहां तक मैं समझता हूं वाल्मीकि समाज की जो मांग है वो ये है कि एक्सपीरियंस के आधार पर नियुक्तियां दी जाए, एक्सपीरियंस के आधार पर भर्ती की जाए, तो ये उनकी मांग में जहां तक समझता हूं जायज भी है कि जो आदमी काम कर सकता हो उसको भर्ती किया जाए। और आज हड़ताल का 7वां दिन है, बरसात का मौसम है, अगर इसी तरीके से हड़ताल चलती रही तो शहर के हालात बदतर हो जाएंगे, बीमारियां बढ़ती चली जा रही हैं, नालियां रुकी हुई हैं, कचरे के ढेर लगे हुए हैं और नाले पटे पड़े हैं। तो आप, मैं समझता हूं कि आपके चैनल के माध्यम से मैं सरकार को भी ये कहना चाहूंगा कि आप जितनी जल्दी हो सके वाल्मीकि समाज से वार्ता करें और इस हड़ताल को खुलवाएं, जिससे हमें भी कोई वैकल्पिक व्यवस्था नहीं है। वैकल्प की व्यवस्था ऐसी है कि सीओ साहब से हमने बात की, डीसी हेल्थ साहब से हमने बात की, उन्होंने कहा कि हम हुपर चलने देंगे, लेकिन हुपर चलने से दिक्कत ये हो रही है कि जो अभी हड़ताल में लोग लगे हुए हैं वो हुपरों को भी डिस्टर्ब कर रहे हैं कि साहब हुपर भी नहीं चले और शहर से कचरा। हुपर भी वीआईपी एरिया से उठा रहे हैं बताने कचरा से।
लगता तो ऐसा ही है, पर्यटक आते हैं या फिर हवा महल या वो सारी। आप देखिए जयपुर गोंडल ट्रायंगल में आता है, जयपुर सफाई में वैसे ही पिछड़ा हुआ है। और अगर ये हड़ताल ज्यादा लंबी चल जाती है तो हम तो स्थिति हमारी तो खराब हो जाएगी, कि पहले हम तो सफाई में पिछड़े हैं, हमारी गलियां वैसे ही गंदी भरी हुई हैं, हमारे नाले भरे हुए हैं। बहुत महत्वपूर्ण बात इन्होंने कही, क्योंकि देखिए अभी स्वच्छता सर्वेक्षण चल रहा है, बिल्कुल राजधानी जयपुर के अंदर करीब 5400 पॉइंट के ऊपर बाकायदा इसको परखा जा रहा है। अब इन हालात में अगर स्वच्छता सर्वेक्षण की टीम ये नजारा शहर का देखेगी तो आप जयपुर की रैंकिंग के बारे में सोच सकते हैं कि वो कहां तक जाएगी। यहां से बच्चे स्कूल पढ़ने जा रहे हैं, यहीं से महिलाएं आ रही हैं, यहीं से सब्जियां लाई। आपने कहा कि आप अंदर गए हैं तब ये हालात नजर आ रहे हैं जयपुर के, क्या जयपुर के मेन सिटी लोकेशन पर भी इस तरह के हालात हैं? देखिए चौराहों पर जहां पर मुख्य स्थान है वहां पर कुछ एक लोकेशन पे ऊपर को भेजा गया, वहां से हटाया गया, लेकिन जैसे ही आप आगे बढ़ते हैं, मान लीजिए हवा महल पर आप खड़े होते हैं तो वहां नजारा थोड़ा बहुत आसपास के इलाके से साफ कर दिया जाएगा, लेकिन हवा महल से जैसे ही रामगंज चौपड़ के अंदर आएंगे हर 100 मीटर पे कचरे के ढेर आपको मिल जाएंगे। आपको जिम्मेदार, हाँ अशोक, जिम्मेदार इसका कौन है अजमेर में, क्योंकि सफाई कर्मचारियों की हड़ताल की जो वजह है अगर वो वाजिब है तो वाजिब वजह के लिए 8 दिन लग गए और अभी भी रास्ता कोई निकल नहीं रहा है। अशोक जी बिल्कुल, जयपुर में 8 दिन से हड़ताल है, लेकिन अजमेर की बात करें तो कल से ही हड़ताल शुरू हुई है। अजमेर के आसपास पुष्कर की बात करें, ब्यावर की बात करें, किशनगढ़ की बात करें तो कल से यहाँ हड़ताल हुई है। 1 दिन के बाद स्थिति ऐसी हो गई है कि यहाँ पर रहना भी मुश्किल है। सफाई कर्मचारी हमारे साथ मौजूद है, इनसे बातचीत करते हैं, क्या ऐसी मांगे हैं जो महत्वपूर्ण है और ऐसे में आपको नहीं लगता कचरा उठना चाहिए था? सर महत्वपूर्ण मांग तो यह है कि देखो पूर्व में भी भर्ती हुई थी और भर्ती हुई तो गलत तथ्य सब सामने ला करके विभिन्न प्रकार के समाज के लोग भर्ती में लगे थे, मगर आज दिनांक तक वो लोग काम नहीं कर रहे हैं, उसका पूरा वर्णन केवल वाल्मीकि समाज पे आया हुआ है। तो वाल्मीकि समाज की महत्वपूर्ण मांग यही है कि हमारे समाज को ही पूर्ण रूप से 100% प्राथमिकता देते हुए ये भर्ती की जाए। और दूसरा कि आप देख रहे हो निरंतर हमारे समाज के लोग, वाल्मीकि समाज के लोग 6000 रुपये में काम करते हैं, वो इसलिए करते हैं कि भाई आने वाले समय में जब भी भर्ती निकलेगी वो वाल्मीकि समाज को वरीयता देते हुए भर्ती में हमारा नाम आ जाएगा और हम लोगों की परमानेंट नौकरी लग जाएगी। 6000 रुपये में आप समझ किसका परिवार नहीं पलता है, तो वो ये उम्मीद रखता है कि 5-7 साल कच्चों में काम करके वो लोग 6 महीने, साल भर, 2 साल 3 साल भी कच्चों में काम नहीं करते 6000 में और सीधे परमानेंट नौकरी के उनको अपने आपके आसार बनाने। तो नौकरी लेने के पश्चात अपनी अप्रोच लगा करके वो लोग तरह तरह के ऑफिसों में और आला अधिकारियों के बीच में घुस करके अपना जीवन निकाल लेते हैं। तो ये समस्या बनी हुई है, लेकिन अब विकराल स्थिति होने की आशंका है, क्या अब समाधान निकल सकता है? सर अभी समाधान तो ऐसा कुछ भी नहीं निकलेगा जब तक हमारी मांगे सरकार नहीं मान लेती है। उसी मांग को लेकर जब तक हम डटे रहेंगे सफाई व्यवस्था ठप रहेगी, जब तक सरकार हमारी बात नहीं मान लेती है। अशोक जरा ये भी पूछ लीजिए, ये भी पूछ लीजिए कि आपकी जिम्मेदारी है सफाई करने की, अगर आप हड़ताल पर रहेंगे तो सफाई करेगा कौन? आपकी जिम्मेदारी सफाई करने की है, ये सवाल आया है, पुलिस की भी जिम्मेदारी होती है, अगर आप जैसे कर्मचारी हड़ताल पर चले जाएंगे तो स्थिति विकराल हो सकती है? बिल्कुल हो सकती है, लेकिन मुझे एक बात बताइए कि हक की लड़ाई लड़ने का अधिकार है या नहीं है? हम अगर गलत लड़ रहे हो तो आप बताइए। हमारा जो सफाई का काम है वो पुश्तैनी काम है, पीढ़ियाँ दर पीढ़ी, जब से ये धरती बनी है, जब से ये इंसान रहने लगे, तब से हमारा ये पुश्तैनी काम है, सफाई का वाल्मीकि समाज ही करेगा। तो हम इस पुश्तैनी लड़ाई को लड़ रहे हैं और हम अजमेर नहीं लड़ रहे हैं, पूरा राजस्थान लड़ रहा है, पूरा राजस्थान अभी आज की सूरत में चलिए लड़ाई में जनता पिस्ती चली जाए। दीप हमारे साथ भिलवाड़ा से राहुल जुड़े हुए, राहुल भिलवाड़ा में ये जो आंदोलन धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है जयपुर से होते हुए अन्य जिलों में जा रहा है, भिलवाड़ा में कब से ये हड़ताल शुरू हुई है और ये बताइए कि हक की लड़ाई में जनता पिसे? राहुल जी बिल्कुल, कहीं ना कहीं 4 से 5 दिन से हड़ताल चल रही है, रैलियां निकाली जा रही है, उग्र प्रदर्शन भी किए गए हैं, नगर परिषद के बाहर भी प्रदर्शन किए गए हैं। देखिए मानसून का सीजन है, नाले और नालों की सफाई बहुत जरूरी है, और कचरे से भर चुकी है सड़क पर, कचरा है, एक भारी बारिश पूरे शहर को जलमग्न कर सकती है। प्रशासन और जो परिषद की तैयारियां थी वो ठप हो चुकी है, कहीं ना कहीं जनप्रतिनिधियों को इस बात को समझना चाहिए, कुछ ना कुछ विकल्प निकालना चाहिए, पर यहाँ पे कोई भी विकल्प नहीं निकाला जा रहा है, कोई व्यवस्था नहीं बैठाई जा रही है ताकि आम जनता इस बीच में ना पिसे। हमारे जो कुछ और लोग हैं उनसे बात करते हैं,
किस प्रकार से जनता को पिसता हुआ देख रहे हैं आप? सर अभी 3 दिन पहले जो 3 घंटे की बरसात हुई उसमें पूरा शहर जाम हो गया, रेलवे फाटक से लेकर के और पूरी अजमेर पुलिया तक सारी गाड़ियां बिल्कुल रेंग रेंग करके चल रही थी क्योंकि ड्रेनेज सिस्टम प्रॉपर नहीं है, सारी जगह जल भराव हो गया, इस वजह से पानी को निकलने की जगह नहीं मिली और पानी भरने से हर आदमी को दिक्कत तो हुई हुई, साथ ही जैसे पूर्व में पिछले सालों में कुछ जाने भी गई है नाले में डूबने से और इन सब कारणों से, तो ये सारे कारण है। कुछ बताता है कि हर साल कुछ ना कुछ हादसा दुर्घटना होती है और हर साल ये दम भरा जाता है कि इस बार तैयारी पूरी है लेकिन कोई भी धरातल पर चीज नजर नहीं है। देखिए कहीं ना कहीं जो सफाई व्यवस्था है वो चरमरा गई है भाई, एक बारिश कहीं ना कहीं पूरे शहर को जलमग्न कर सकती है। कुछ और लोग भी हैं, शास्त्री नगर में रहते हैं आपके घर के सामने, बहुत पानी भी बढ़ जाता है आप अभी कह रहे थे। शास्त्री नगर में हमारे घर के सामने जो बहुत ज्यादा गंदगी हो रखी है और हमारे घर के यहाँ पे नाला है और नाले के यहाँ पे अभी सफाई ना होने की वजह से मच्छर बहुत ज्यादा हो गए हैं और काफी ज्यादा मतलब प्रॉब्लम हो रही है वहाँ पे, गंदगी बहुत ज्यादा इकट्ठी हो गई है और मतलब कि वहाँ पे इतनी ज्यादा स्मेल आ रही है, स्मेल की वजह से घरों में वो घुस जाती है, फिर इतनी दिक्कत होती है वहाँ पे, बाहर निकलते तो ऐसा लगता है कि मतलब कहीं शुद्ध वातावरण ही कहीं मतलब खत्म होता जा रहा है और बहुत गंदगी, इसका जल्द से जल्द समाधान किया जाना चाहिए। देखिए सबसे बड़ी बात मैं आपको बताना चाहूंगा, जो ऑटो डीपर घरों के आगे आगे खड़े होते हैं, दुकानों के आगे आगे खड़े होते हैं, गृहणियां उनमें कचरा डालती है, घरों का कचरा शाम को उनमें डाला जाता है, तो कहीं ना कहीं गृहणियां भी बहुत परेशान हो रही है क्योंकि अब वो कचरा गृहणियों को अपने घर में संग्रह करके रखना पड़ता है। कुछ लोगों से और बात करने की कोशिश करते हैं, कैसे देखते हैं सफाई व्यवस्था चरमरा गई है कर्मचारियों की हड़ताल से, क्या कोई रास्ता निकालना चाहिए सरकार को? मैं तो एक ही बात बोलना चाहूंगा सरकार से कि जो 4 दिन से जो कर्मचारियों की हड़ताल चल रही है कि सरकार को कुछ निर्णय लेना पड़ेगा, अगर सरकार ऐसे ही डीले करती रही तो लोग परेशान हो गए। आप देख पा रहे हो कि बिलोड़ा में जगह जगह कचरा हो रहा है, जगह जगह लोग निकलना मुश्किल हो रहे हैं, इतनी भयंकर बदबू आ रही है, बाहर निकलना मुश्किल हो रहा है लोगों का, आम जनता इतनी परेशान हो रही है कुछ बता नहीं सकते। हम जब घर से निकलते हैं तब घर के बाहर ही कचरा कचरा, 4 दिन से कोई सफाई कर्मचारी नहीं आ रहा है वहाँ सफाई करने के लिए, तो मैं सरकार से अनुरोध करना चाहूंगा कि उनकी मांगों पर ध्यान दिया जाए और अगर पॉसिबल हो तो उनकी मांगे पूरी भी की जाए। ये जनता पिस रही है, हाँ। पूरे प्रकरण में कहीं ना कहीं जनता पिसती हुई नजर आ रही है, बिल्कुल। क्या सॉल्यूशन निकाले, कैसे करें, कर्मचारियों और सरकार के बीच में मध्यस्थता नहीं हो रही है, आम जनता को क्या करना चाहिए? आम जनता को कर्मचारियों के साथ रहना चाहिए। ठीक है राहुल, मैं आपके पास आऊंगी। भावना आबू रोड से कॉलर हमारे साथ जुड़ चुकी है, सफाई कर्मी बताई जा रही है। भावना बताइए कि क्यों हड़ताल किया गया है और इससे आम जनता ही तो परेशान हो रही है। मैडम आम जनता का ये बात है कि देखिए जब हमारा पार्सल हम जब काम नहीं करते हैं या कोई भी वार्ड में कंप्लेन होती है गोबर नहीं उठता है तो लोग वहाँ फोन करते हैं पार्षदों को कि हमारे यहाँ का गोबर उठाओ, हमारे यहाँ कुत्ते की पॉटी पड़ी ये उठाओ, ये सब हम काम करते हैं मैम। ठीक है, तो अब क्यों जनता कुछ नहीं बोल रही है जब इतना सब कुछ हो रहा है, तो वो क्यों नहीं बोल रही है? तो आप जनता चुप है? नहीं जनता आप क्या चाह रही है कि जनता क्या करे? नहीं जनता क्या करे, आप क्या कह रहे हो कि जो हड़ताल हम लोग कर रहे हैं और जो पब्लिक परेशान हो रही है तो उनको जो इतनी गंदगी फैलनी होती है तो वो अब क्यों चुप है? उनको भी तो हमारी तरफ बोलना चाहिए कि नहीं भी इनकी मांगे पूरी करो। जनता बोल रही है भावना जी, आप मुझे लग रहा है पूरा रिपोर्ट देख नहीं रही है, पूरी रिपोर्ट देखिए। हम जनता से जो सवाल कर रहे हैं वो यही कह रहे हैं कि आपकी जो मांगे हैं वो वाजिब हैं और वो पूरी करनी चाहिए सरकार को। जनता यही आपके ही फेवर में जनता बात कर रही है और आप जनता के ऊपर सवाल उठा रही हैं और भरसक आपके ही परिवार में बहुत सारे लोग होंगे, गंदगी का सामना आपको भी करना पड़ता होगा, लेकिन ये बात समझ में पता नहीं क्यों नहीं आ रही है। अरबाज, चांदीपुरा जैसा वायरस फैल रहा है खूबसूरत राजस्थान को, ड्रेनेज सिस्टम पहले ही उस पर एक बदनुमा दाग है और अब ये सफाई व्यवस्था चरमराई हुई है, कौन हुक्मरान जो बैठे हुए हैं कौन इसके लिए जिम्मेदार है? को लगातार बताया है बल्कि जिम्मेदारों से बात भी की है। कल यूडीएच मंत्री झाबर सिंह खर्रा से हमने बातचीत की थी, उन्होंने कहा था कि हम अनुभव के आधार पर भर्ती की तैयारियां कर रहे हैं, पुरानी तमाम विज्ञप्तियां खारिज करके नए सिरे से जारी करेंगे, उसमें जो नगरपालिका 2 साल का प्रमाण पत्र है कार्य का वो लिया जाएगा और जो कार्य अनुभव के आधार पर अच्छा परफॉर्म करने वाले लोगों को आगे पक्की नियुक्ति दी जाएगी, पहले मानदेय पर रखा जाएगा। जब हमने सवाल किया कि भाई क्या ये पूरी मांगे हैं और ये जो संघ के लोग हैं श्रमिक संघ के उनसे बातचीत की, उन्होंने कहा कि मस्ट्रोल पर भर्ती होनी चाहिए, नियम जो 2012 के थे वो पूरी तरह से होने चाहिए, 2015 के बाद में जो नियम बने वो हम नहीं मानेंगे और आज
जितने भी संगठन है राजस्थान के उन सबको जयपुर में बुलाया गया, नगर निगम हेरिटेज में कुछ देर में उनकी बैठक शुरू होगी। हाँ। इस दौरान समझना ये जरूरी, देखना होगा कि बैठक में क्या कुछ निकल कर आता है। आप सभी का बहुत शुक्रिया ग्राउंड रिपोर्ट दिखाने के लिए और ये बताने के लिए कि राजस्थान में जो सफाई व्यवस्था चरमराई है उससे आम जनता को कैसे निजात मिलेगी, क्योंकि चांदीपुरा वायरस भी है, गंदगी का अंबार है, तो गंदगियां भी वहां से पनप रही हैं। ड्रेनेज सिस्टम वैसे भी राजस्थान का खराब है, बदहाल अवस्था में, और ऊपर से अगर सफाई व्यवस्था भी चरमरा जाएगी तो आप पूछिए, सोचिए कि आम जनता आखिर जाएगी कहां। फिलहाल ये बड़ा सवाल हम ग्राउंड रिपोर्ट में आज लेकर आए थे और ये हम उम्मीद भी करते हैं कि इसका जल्द से जल्द निस्तारण भी होगा। फिलहाल इस रिपोर्ट में अभी के लिए इतना ही, और आगे देखिए स्पेशल रिपोर्ट।